हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मुर्ग चंगेज़ी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेज़ी। खाने में बहुत ही लजीज लगती है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको रोटी, तंदूरी रोटी, पराठा, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बनाते हैं चिकन चंगेज़ी। तो यहाँ पर मैंने एक वेसल चढ़ा दिया है गैस पर। आधा कप ऑयल ऐड कर लेंगे, 3 से 4 टुकड़ा लौंग, 2 से 3 हरी इलायची, कुछ टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 काली मिर्च और 3 मीडियम प्याज, साथ में 1 तेज़पत्ता। सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लें। चिकन लिया है 1/4 किलो, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और 3 से 4 टेबलस्पून दही। नमक ऐड कर लें चिकन के हिसाब से। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको बस 5 से 7 मिनट के लिए हम साइड में छोड़ देंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहा था तब तक मैंने इसको साइड में रख दिया था। प्याज यहाँ पे लाइट गोल्डन हो जाए तो 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम ऐड करके इसको आपने भून लेना है। जब तक प्याज का कलर जो है ये थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाता है, इससे नट्स भी इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बस ये ब्राउन हो गया है तो ड्रेन कर लेंगे इसको, एक टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए इसमें से। तो बस ये सारा मैंने बाहर निकाल लिया है और इसी बचे हुए ऑयल में अब मैं ऐड कर दूंगी चिकन। चिकन ऐड करके आपने फ्लेम थोड़ा सा मीडियम हाई ही रखना है क्योंकि हमने चिकन के ऊपर अच्छे से स्पॉट्स ले आने हैं। मैंने इसको इसी पैन के अंदर बनाया है, आप चाहे तो अलग पॉट में चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके भी निकाल सकते हैं। बस इसको इसी तरह रहने दें कम से कम 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट के बाद पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, चिकन का कलर वाइट दिखाई देने लगा है, तो इसको हम थोड़ा सा पलट लेते हैं। ये देखिए इसके ऊपर मार्क्स आ गए। तो हाई फ्लेम पर ही इसको हमने भून लेना है ताकि हर तरफ से इसकी भुनाई हो जाए। कुछ देर के लिए और छोड़ देते हैं इसे, 5 से 7 मिनट और ऊपर हो जाए तो फिर मैंने इसको फिर से एक बार चेक कर लिया था। पानी पूरा ड्राई हो गया है, ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होता हुआ दिखाई देने लगा है, चिकन की भुनाई हो गई है अच्छे से। इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट होता हुआ दिखाई देने लगा है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले, तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्ची यूज़ की है जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, अगर आप चाहें तो दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। नमक ऐड कर लें चिकन के हिसाब से, हमने मैरिनेशन में ऐड किया था तो यहाँ पे हमने कम ऐड कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम थोड़ा सा लो मीडियम कर लें इस समय ताकि जो सूखे मसाले हमने ऐड किए वो जले नहीं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, उसका मैंने प्यूरी कर लिया है, और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। कुछ देर के लिए भून लें जब तक टमाटर का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर प्याज जो है ये ठंडा हो गया है तो इसको मैंने मिक्सर जार में ऐड कर दिया है सारे खड़े मसाले और काजू बादाम के साथ। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बिल्कुल स्मूथ ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर देखिए टमाटर का पानी ड्राई हो गया, ऑयल रिलीज हो गया इसमें। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, काजू बादाम और गरम मसाले का पेस्ट। इसको बहुत अच्छे से भून लेना है आपने, इसको मिक्स कर लें। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो ऑयल इसमें पूरा अंदर चला जाएगा। थोड़े देर के लिए भून लें ताकि भुनाई अच्छे से हो जाए और ऑयल सेपरेट होता हुआ थोड़ा सा दिखाई देने लगे। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ऑयल बीच में बबल हो रहा है, अच्छे से भून गया है, मसाला ग्रेनी हो गया है और डार्क सा दिखाई देने लगा है, चिकन को लिपट गया है मसाला। तो बस ऐसे जब हो जाए तो समझिए कि ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो मैंने इसमें कम से कम 1.5 से 2 ग्लास पानी ऐड किया था। आप जितना थिकनेस चाहते हैं उस हिसाब से आप ऐड करें, बहुत ज़्यादा थिन नहीं होती है ये ग्रेवी। ऊपर से लास्ट में मैंने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया था 1 टीस्पून, थोड़ा सा तवे पर भून कर आप क्रश करके ऐड कर लें। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा क्रीम, क्रीम की जगह पर आप दूध के ऊपर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने और फिर कवर करके लो फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट कुक कर लें। गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया था मैंने और यहाँ देखिए ऑयल ऊपर सरफेस आउट हो गया है और बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है।
इसका टेस्ट अमेजिंग आता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। रोटी, कुलचा, पराठा, नान, बटर रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। जीरा राइस के साथ भी ये कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।